थोड़ा थोड़ा समझना है कि इस शेयर में अब करना क्या है। देखो सर, शेयर आ गया बहुत नीचे फ्यूचर रिटेल का। अगर अब हम वो सोचते हैं कि जल्दी से ये 30 रुपए 40 रुपए में जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अमेजोन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। और आज बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि फ्यूचर रिटेल में आज थोड़ी सी ग्रीनता के आसार हमें देखने को मिले। अब इस शेयर में हमें करना क्या है और क्या इसके अंदर संभावना बन रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरी पिछली वीडियो फ्यूचर ग्रुप की उठाकर देखोगे ना, तो मैंने कहा था कि 6 जून से जो फ्यूचर ग्रुप में सुनवाई होने वाली है फ्यूचर रिटेल में, कि भाई ये दिवालिया प्रक्रिया में ना जाए, जो अमेजोन ने दायर कर रखी अपनी एक याचिका, उस पर जो सुनवाई होनी थी वो 6 जून से स्टार्ट होनी थी सर। और मैंने कहा था कि 6 जून तक के आपका शेयर सर 10 रुपए तक के आ जाएगा, लेकिन ये तो सर 7 रुपए तक भी आ चुका है, यानी कि वहां से गिरावट लगातार इसके अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। जिन भी लोगों ने फ्यूचर ग्रुप के डील के बाद इसके अंदर जो पॉजिटिव संकेत आपको बार बार दिखाए हैं और बार बार आपको खरीदने के लिए इसके अंदर प्रेरित किया है ऐसी ऐसी वीडियो, और जो डील के ना होने पर दिवालिया की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, जो बैंक ऑफ इंडिया लेकर गया था, उसके बाद से उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने कहा था कि जो मिल रहा है बस बेच कर निकल लो। तो फिर ऐसी वीडियो लोग बनाते क्यों हैं जो जड़ नहीं पकड़ पाते सर। मैंने कहा था कि अगर इसके अंदर सब कुछ बेकार है तो ये उसी टाइम खत्म हो जाना चाहिए, मतलब ये खत्म है भाई, ये दिवाली अपन घोषित करो, इसको नहीं करा। दूसरा सवाल कि बैंक ऑफ इंडिया जो इसे दिवालिया प्रक्रिया में ले जा रहा है, वो इसलिए ले जा रहा है कि उसको वो पैसा मुआवजा मिलने की उसे उम्मीद नहीं थी, यानी कि उसको रिलायंस से यानी कि अंबानी के ऊपर भी विश्वास नहीं था बैंकों को, तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, ये इतने अमीर आदमी के ऊपर भी विश्वास नहीं है सर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिग बाजार एक छोटा नाम नहीं है, क्योंकि अब उसको खरीदने के लिए सर राकेश झुनझुनवाला जी, अजीम प्रेम जी, इनके भी नाम उजागर होते जा रहे हैं। तो इन सब की एक बातें मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, उसको आपको थोड़ा थोड़ा समझना है कि इस शेयर में अब करना क्या है। देखो सर, शेयर आ गया बहुत नीचे फ्यूचर रिटेल का। अगर अब हम वो सोचते हैं कि जल्दी से ये 30 रुपए 40 रुपए में जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अमेजोन ने एक अपनी याचिका एनसीएलटी में लगा रखी है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया इसको दिवालियापन में ले जा रहा है फ्यूचर रिटेल को। उसे रोकने के लिए उसने अपनी याचिका लगाई थी, और उस याचिका में कोर्ट ने कह दिया है सबसे पहले सुनवाई अमेजोन की ही होगी। और अब इस न्यूज से ही आपको अपर सर्किट देखने को मिले हैं, लेकिन 10 जून में इसकी फिर से सुनवाई होगी, यानी कि अब मुझे लगता है कि 1 से 2-3 दिन इसके अंदर जो अपर सर्किट लग सकते हैं और खुल सकते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो जिनके पास है ना सर, वो अपनी क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ा लें, क्योंकि नुकसान तो सर बिल्कुल 80% से ज़्यादा है, लेकिन इसमें ओवर एवरेज करने की भावना बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि 10 जून को इसके बारे में पता लगेगा कि ये दिवालियापन में जाएगा नहीं जाएगा, या सुनवाई होगी या अलग ही डेट और मिलेगी, तो इस तरीके भी ये अब आगे जाकर आपको माहौल मिलेंगे। लेकिन अब लोग जो आपको पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे ना, थोड़ा समझना है आपको कि अगर ये उस जगह नहीं पहुंच सकता जहां हमने खरीद रखा है, साफ सीधी बात है वहां तक ये जल्दी से नहीं जाएगा जहां हमने इसको खरीद रखा है। क्यों? ऑपरेटर वहीं जाग जाएंगे, अगर सब कुछ सही भी हो रहा है ना तो ऑपरेटर जाग जाएंगे इसके अंदर, अब भावनाओं से खेलेंगे। अगर इसके अंदर सब कुछ सही भी है ना, तो ये शेयर इतने नीचे है कि अब कंट्रोल में ज़्यादा पैसों वालों के आ सकता है सर। इतने नीचे तो सर ये शेयर आ गया है 7 रुपये में कि ये कंट्रोल में आ जाएगा जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे सर। देखो सर, जो भी ऑपरेटर गेम होता है वो बहुत छोटे छोटे पैनी पैनी स्टॉक में होता है, और ये उसी स्थिति में ये आ चुका है। तो ध्यान रखना सर, 10 जून को इसकी दोबारा से सुनवाई होगी, और बैंक ऑफ इंडिया भी इसके बारे में भी कुछ बोल सकता है। बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये अमेजोन लेट कर रहा है बस दिवालिया प्रक्रिया से रोकने के लिए, इसमें होने का कुछ नहीं, दिवालिया ही होगा, इस तरह की भी खबरें जो निकल कर आ रही हैं सर। देखो सर, एक खबर वो निकल कर आई थी जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि वो $100 में ट्विटर को खरीद रहे हैं। उसके बाद सर आपको तेजी देखने को संकेत सर ट्विटर के शेयर में भी मिल गए होंगे, वो इंडिया के नहीं सर, US के, वहाँ मिल गए होंगे।
लेकिन अब जो एक न्यूज निकल कर आई है एलन मस्क की, उसने कहा है कि कितने सही खाते खुले हुए हैं ट्विटर में, उसकी वो मांग कर रहा है ट्विटर से, लेकिन ट्विटर उसको दे नहीं रहा है। लेकिन उसने वो धमकी दे दी है भाई, वो इस डील को कैंसिल भी कर सकता है, वो नहीं खरीदेगा फिर अगर जब तक आप इसे सही से नहीं दोगे। तो सर जब तक कि डील नहीं होती ना, कुछ नहीं होता, तो तब तक के बिल्कुल तेजी का सार वो एक दो दिन दिख जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है वो निकल कर आती है। तो एलन मस्क ने कह दिया कि भाई अगर वो सही से नहीं बताता है ट्विटर से, वो उसे नहीं खरीदेगा। तो ये भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वो भी डील से मसला था, इसलिए मैंने आपको बीच में ये बता दी है। तो सर फ्यूचर ग्रुप में अभी किसी भी शेयरों में खरीदारी बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। और जिनके पास है, देखो सर मेरे पास बहुत कम है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो अगर डूब गए ना, वो बहुत कम है, क्योंकि वो मेरा सारा प्रॉफिट ही है, क्योंकि मैंने कई बार इसके अंदर से सर प्रॉफिट लिया, फिर मैंने बाद में छोड़ ही दिया, मैंने कहा जितना नीचे जाए जाने दो। तो सर वो स्थिति में मैं आपको नहीं देखना चाहता कि आप इसके अंदर घबराओ, डरो और आप सोचो कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो बहुत अच्छा होने की उम्मीद बिल्कुल भी इस शेयर से अभी नहीं रखनी है, जब तक के इसका शेयर 30 रुपए से ऊपर ना जाए ना, तब तक के इससे बहुत अच्छी उम्मीद बिल्कुल भी ना रखना, और एवरेज करने की बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सर मैं आपको बता दूं, ये अपर सर्किट जरूर खुलना था, और मेरी जो साइकोलॉजी है ना, अगर आप मेरी पीछे की वीडियो उठाओगे उससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये जरूर कहा था कि ये वहां तक के पहुंच जाएगा जहां पर ऑपरेटर इसके अंदर बस कब्जा अपना कर लेंगे। तो ये वहां तक के पहुंच गया है, न्यूज बेस है, इसलिए न्यूज के दौरान ही आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये डील भी हो जाती है तो उससे बाद भी ये बहुत दिनों तक बहुत कम रेट में आपको फिर भी मिलता रहेगा, क्योंकि सर काम ही कुछ इसके ऐसे हो गए हैं कि ये 7 रुपये में आपको शेयर मिल रहा है। तो सर 10 जून तक का इंतजार कीजिए, और NCLT से भी अब इसका रिजल्ट आना है, NCLAT से भी आना है, दिल्ली हाई कोर्ट से भी आना है सर, और सिंगापुर से भी आना, अभी तो कई चीज़ें इसके अंदर पेंडिंग है, और उस पेंडिंग के अनुसार इसका शेयर इतने नीचे आ गया है कि बस अब इसे देखने का मन नहीं करता। तो मकसद यही है वीडियो बनाने का कि एवरेज बिल्कुल भी ऐसे शेयर में हमें नहीं करना है, और खुश भी ज़्यादा अभी नहीं होना जब तक कि शेयर बहुत ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ नहीं दिखाई दे, और 10 जून के बाद देखेंगे इसके अंदर क्या होने वाला है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।